बहार रंग और खुशबुओं का मौसम आ गया। शहर में जश्न बहारा का हो गया आगाज। लाहौरी म्यूजिकल नाइट, सकाफती रक्स और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा देखने के लिए हो जाएं तैयार। 5 बड़े पार्क्स में मिनी सर्कस और फूड गाला का भी होगा इनेकाद। तकरीबात 28 मार्च तक जारी रहेंगी। पीएचए ने शेड्यूल जारी कर दिया। शहर में जीरो वेस्ट जीरो ना हो सका। LWMC की आज की डेडलाइन डेट हो गई। 500 गाड़ियां और 8000 वर्कर्स इन एक्शन, नताइश नजर ना आ सके। MD LWMC खालिद नजीर बट्टू कहते हैं कि शहर को मुकम्मल साफ सुथरा बनाने के लिए मजीद एक रोज लगेगा। 4 रोज में 10,000 टन कूड़ा उठा लिया। सफाई का अमल जल्द मुकम्मल करने के लिए दीगर महकमों की भी खिदमत हासिल की गई हैं। कूड़ा करकट डंप करने के लिए लैंडफिल साइट पर भी खुसूसी इंतजाम किए गए। फंड्स की कमी, शोबे तालीम में भी तब्दीली का सफर कठिन। स्कूल इंतजामिया को दी गई मोबाइल सिम्स बंद। सिम्स हंगामी सूरत हाल में रबते के लिए दी गई थी। स्कूल सरबराहान 6 माह से नॉन सैलरी बजट से भी महरूम। स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को शदीद मुश्किलात का सामना। तब्दीली सरकार भी आवाम को साफ पानी फराहम करने में नाकाम। वज़ीरे आला गवर्नर पंजाब के 6 माह में 21 इजलास। इजलासों पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च, नतीजा सिफर। गवर्नर पंजाब, वज़ीरे आला सेक्रेटेरिएट और सूबाई वज़ीर हाउसिंग एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। फंड्स की कमी, तरक्याती मंसूबों में भी रुकावट बन गई। एक मोरिया पुल और सर्कुलर रोड तोसी मंसूबा भी मुश्किलात का शिकार। तामीरात का आगाज करवाने के बाद फंड्स रोक लिए गए। लैंड एक्विजिशन के लिए 37 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई थी। एलडीए की तंजीम नो का फैसला। तब्दीली सरकार ने महकमे में बड़ी तब्दीली लाने के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। एलडीए की 56 हाउसिंग सोसाइटीज पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर तायुनात करने का फैसला। एलडीए के 4 डायरेक्टर्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मातहत काम करेंगे। जिस जिला का डॉक्टर उस जिले में काम करना लाजमी करार। डॉक्टर्स के लिए महकमे सेहत की नई पॉलिसी तैयार। अपने आबाई जिला में 5 साल तक प्रैक्टिस करना होगी। जल्द ही बिल मंजूरी के लिए असेंबली में पेश होगा। महकमे सेहत हुकाम। PSL मैचेस की टिकटें शायकीन के लिए परेशानी खत्म। ऑनलाइन टिकट लेने वालों को घर बैठे रकम मिलेगी। चंद रोज में रकम अकाउंट्स में मुंतकिल होंगी। दीगर को 18 मार्च से TCS सेंटर्स जाना पड़ेगा। PCB ने टिकट्स के पैसे वापस करने का शेड्यूल जारी कर दिया। लाहौर नहीं तो कराची ही सही, क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर। PSL के लिए रेलवे का खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर से कराची के लिए इजाफी कोचेस लगाई जाएंगी। जल्द ही टिकट्स रिजर्वेशन सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत भी होगी, रेलवे हुकाम। आसमान से गिरा खजूर में अटका फ्लाइट ऑपरेशन मौतली के आफ्टर शॉक्स पर करार। एयरपोर्ट खुला तो तैयारों की कमी आड़े आ गई। आज फिर 32 परवाजें उड़ान ही न भर सकी, 5 ताखीर का शिकार। बैनुल अक्वामी रूट्स बंद होने से मुसाफिरों को मजीद मुश्किलात। कैनेडा, यूरोप समेत दीगर ममालिक जाने वाले मुसाफिर इंतहाई खार। फजाई मुसाफिरों के लिए एक और धचका। हवाई जहाज के साथ किराए भी आसमान को छूने लगे। कौमी और निजी एयरलाइंस के किरायों में 20% इजाफा। PIA का किराया 38,000 से 40,000 रुपए, सरीन एयरलाइन का किराया 38,000 से 40,000 रुपए, एयरब्यू का किराया 37,000 से 39,000 रुपए तक वसूल किया जाने लगा। अम पसंद मुल्क का एक और अहसन इकदाम, भारतीय जाहियत से बंद ट्रेन भी चला दी गई। समझौता एक्सप्रेस 185 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से भारत रवाना। गुज़श्ता जुमेरात ट्रेन ना चलने से 37 मुसाफिर भारत ना जा सके। मुसाफिरों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान, बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। और पाकिस्तान आके अच्छा लगा है, चार दिन से यहाँ पे थे, हमको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, रास्ते खुले, हम चाहते हैं कि वह आगे भी अमन शांति रहो, इस रास्ता चलता रहे। गौरी और शाहीन मिसाइल बारात में चलाने के लिए नहीं बनाए, भारत ने तारे जमीन पर, हमने तैयारे जमीन पर फिल्म बनाई। मोदी को पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। सूबाई वजीर इत्तलात फियाजुल हसन चौहान का अल्हम्ब्रा हॉल में तकरीब से खिताब। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश। कमर में दर्द है, हाजिरी लगा कर जाने दें, शहबाज शरीफ की सदा। अदालती कार्रवाई कर रहा हूं, वक्त जाया नहीं, काम कर रहा हूं। शहबाज शरीफ को कुर्सी दें, बैठ जाएं। जज एहतसाब अदालत सैयद नजमुल हसन के रिमार्क्स। अदालत ने शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी। रेफरेंस की कॉपियां फराहम ना की जाएं, वकील शहबाज शरीफ की सदा। रेफरेंस की कॉपियां फराहम कर देते हैं, इसमें आखिर मसला ही क्या है? जज सैयद नजमुल हसन। कॉपियां मुलजिमान को फराहम कर दी गयी, केस की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। तजलील हो रही है, एहतसाब नहीं, इंतकाम लिया जा रहा। 60 साल पुरानी गाड़ी में लाया जाता, सीटें भी टूटी होती हैं। 8x12 के सेल में दो अफराद कैद हैं, जेल में इलाज भी नहीं करवाया जा रहा। पैराकोन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत, ख्वाजा साद रफीक का जेल में ना कि सहूलियात का शिकवा। पैरागोन एक गैर कानूनी मंसूबा था, पैरागोन से ख्वाजा बरादरान को बाकायदगी से पैसे आते रहे। नैब वकील प्रोसिक्यूटर के दलाई, ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 19 मार्च तक तौसी। कायदीन की पेशी, कारकुन इजहारे जगजहती के लिए पहुंच गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और ख्वाजा बरादरान की एहतसाब अदालत में पेशी, लीगी मर्दो खातीन कारकुनान की नारेबाजी। एमपीए यासीन सोहेल बोले, शेर पिंजरों में बंद हैं, पेशकियां उमरानी हुकूमत को कामयाब करने के लिए हैं। कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात ना इंसाफी है। एलडीए सिटी और गैर कानूनी एसासाजात केस की भी समाअत, फवाद हसन फवाद का 9 माह से रेफरेंस दायर ना करने का शिकवा। 9 माह से बंदा जेल में बंद है, नैब डाक भेज कर सो जाता है। नैब हुकाम खुद इस्लामाबाद जाएं और रेफरेंस लेकर आएं। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी, आइंदा समाअत पर हर सूरत रेफरेंस दायर करने का हुक्म। एलडीए सिटी केस में अहाचीमा केस की भी समाअत, अदालत का नैब हुकाम को दोबारा पेशी पर हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी। दोनों केसेस की समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। सानेह मॉडल टाउन जीआईटी की तहकीकात पुलिस मुलाजमीन तक महदूद, तमाम पुलिस अफसरान और अहलकारों के बयानात कलमबंद। शहबाज शरीफ समेत कोई भी सियासी शख्सियत जीआईटी के सामने पेश ना हुई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 503 एजुकेटर्स भर्ती करने का ऐलान कर दिया। भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएंगी। उम्मीदवार 18 मार्च तक दरखास्तें जमा करा सकेंगे। सांदा में दो ग्रोहों में फायरिंग से बच्ची की हलाकत का मामला, मकतूला नूर के वालिद रिजवान की मुदैयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गयी। अहले खाना गम से निठाल, मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। थाना कल्चर में तब्दीली का पहला कदम ही बेसूद, फ्रंट डेस्क मुलाजमीन दिल बर्दाश्ता, 199 अहलकार नौकरियां छोड़ गए।
खाएं क्या और पकाएं क्या, सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से बाहर। सिंहपुरा सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतें अरूज पर। लहसुन 156, अदरक 162, करेले 126 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। मुर्गी के गोश्त को भी पड़ लग गए। एक रोज में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 6 रुपए इजाफा। ब्रॉयलर गोश्त 238 रुपए में फरोख्त होने लगा। मिलावट माफिया बास नाए, पंजाब फूड अथॉरिटी के कहना में कार्रवाई। जाली मक्खन तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। 1020 किलो नाकिस घी और मशीनरी जब्त कर ली गई। डैम फंड पाकिस्तान की बका के लिए नागुजीर है। पानी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है, इसके बगैर जिंदगी ही मुमकिन नहीं। जब इज्तमाई जिम्मेदारी आ जाती है तो मकसद बड़ा हो जाता है। तालीम किसी भी सोसाइटी की तरक्की के लिए बुनियादी जरूरत है, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का नेशनल कॉलेज में तकरीब से खिताब। बतौर फैमिली जजेस को बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करना होगा। ट्रेनिंग के बाद जजेस को फैसले करने में आसानी होगी। बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को किरदार अदा करना होगा। जुडिशियल अकेडमी में फैमिली जजेस और सिविल जजेस की ट्रेनिंग का आगाज। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट सरदार शमीम खान का तकरीब से खिताब। गैर मुल्की हसीना की मुश्किलात कम ना हो सकी। स्मगलिंग केस में मॉडल ट्रीसा अदालत में पेश। ट्रीसा के वकील की अदम पेशी पर समाज 6 मार्च तक मुलतवी। पाकिस्तान में फुटबॉल को बेहतर मकाम पर देखना चाहते हैं पीएफएफ की साबिक